मैथमेटिकल टूल खत्म हो चुका, तो हमारा आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू होगा, ऐसा ही है ना? यस सर। ओके okay. इससे पहली क्लास में कोई डिस्टरबेंस किया था क्या किसी ने? नो सर। गुड ओके देन इवनिंग सर। फाइन, वेरी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग. लास्ट क्लास में जो इससे पहले क्लास हुई थी उसमें कितने बच्चे थे? फोर्टी सर 44। फोर ओके तो फिर तो मैं स्टार्ट कर दी, कर ही देना चाहिए. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग. ये इमेज दिखाई थी कल मैंने आपको, ये बताया भी था इसका क्या मतलब है, ये इस पाथ पे चल रहा है. तो देखो यस ये ओनली एक एक्सिस में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये ओनली एक एक्सिस में. इसको डिफाइन करने के लिए ओनली क्या चाहिए, जैसे अगर मैं मान लू इसको यहां से मान लू यहां से एक्स एक्सिस इसको मान लू, इसको वाई एक्सिस मान लू और इसको जेड एक्सिस मान लो, क्या ये मुझे इसकी मोशन डिफाइन करने के लिए ओनली एक्स एक्सिस की ही जरूरत है? यस तो इसी को हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन. अगर उसकी मोशन को डिफाइन करने के लिए ओनली वन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, इसको इसकी मोशन को पोजीशन को डिफाइन करने के लिए ओनली वन कोई वन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी ना. जैसे मान लो यहाँ पे था, मान लो इसकी ये पोजीशन थी, तो यहाँ पे सिर्फ मैं बता दूं कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर है बस, तो क्लियरली इसकी पोजीशन पता चल गई मुझे कि 5 सेंटीमीटर इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस चल ही नहीं रहा है. इसी को हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन. अब अभी हम वो सब 1D 2D 3D कैसे होती है वो अभी आगे पढ़ेंगे. ये समझ में आया आपको कि इसका मतलब क्या था? यस सर। ओके अब देखो मैकेनिक्स 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 क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं मैकेनिक्स. एक्चुअली मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन, यानी कि कॉज और इफेक्ट, मोशन क्यों हो रहा है, मोशन क्यों हो रहा है और मोशन कैसे हो रहा है, इन दोनों चीजों की स्टडी को बोलते हैं मैकेनिक्स. अब जब इन दोनों चीजों के बारे में, फिर इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, एक होता है काइनेटिक्स एक 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 बोला डायनामिक्स. अब काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स वो होता है जिसमें हम मोशन ओनली मोशन को मोशन के बारे में पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई मान लो ट्रेन है 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और मान लो उसमें ब्रेक लगाया जाए, अगर उसमें ब्रेक लगाया जाए तो उसको मान लो मुझे 100 मीटर में उसको स्टॉप करना है, 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है उसे 100 मीटर मुझे स्टॉप करना है, तो उस पर कैसा ब्रेक लगाऊं, किस कितना डी एक्सिलरेशन चाहिए मेरे को, डी एक्सिलरेशन मतलब एक्सिलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन चाहिए मुझे कितना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना. या फिर कोई ट्रेन है या फिर स्कूटर है या बाइक है या साइकिल है, उसकी जीरो वेलोसिटी है, मुझे 10 मिनट वो सॉरी 10 सेकंड में मुझे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड चाहिए, तो उसका कितना एक्सिलरेशन होना चाहिए कि 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का एक्सिलरेशन स्पीड हो जाए, इन चीजों के बारे में पढ़ना कि चीजें क्या. बैकग्राउंड किसका ऑन है ये? और तो घर पे नहीं है, कब से लौटेंगे तुम? बैठो, बस आने ही वाले हैं। मनीष 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 क्या बात है हरी,
दरवाजा खुला क्यों छोड़ रखा है? ओ दादा देखिए देखिए आपसे मिलने कौन आया है, देखिए कौन आया है। मनीष कहाँ गया? मनीष छोड़ लेफ्ट कर गया क्या? नो सर यहाँ पे ही है। रिमूव कर दो मनीष। मनीष दो बार मनीष लिखा, यही मनीष है ना? एक मिस एक, एक मिस्टर मनीष है, एक मनीष मनीष है। कौन सा है मनीष आप बताओगे? डबल वाला, डबल वाला है। डबल वाला। ओके ओके रिमूव कर दो। ओके बाय बाय। अब कोई बच्चा ऐड हो ही नहीं पाएगा, मैं उसको वो कहता हूँ किसी और आईडी से भी ऐड नहीं हो पाएगा इसमें क्लास में। B7 में ही पता नहीं क्यों डिस्टरबेंस करते हैं, कहाँ से आ जाते हैं। अब देखो थोड़ा टॉपिक पे आते हैं अपने पे। तो इसके जो काइनेमेटिक्स होती है, काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ मोशन कैसे हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं, और जो डायनामिक्स होता है मोशन क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या पढ़ा था, जैसे आप ये कोई साइकिल है, चलो आप साइकिल ही मान लेते, चलो ये कोई साइकिल है, ठीक है। ये साइकिल, इस साइकिल को मुझे 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पहुंचानी है, चाहिए मुझे 10 सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए, तो मुझे इसका एक्सेलरेशन कितना रखना पड़ेगा, वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन कितना रखना पड़ेगा, या फिर मैं एक्सेलरेशन दे दूं, टाइम कितना रखना पड़ेगा कि इतनी स्पीड पहुंच जाए। तो इन चीजों के बारे में हम काइनेमेटिक्स के साथ काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं। और डायनामिक्स क्या होता है, डायनामिक्स में होता है कि मोशन अगर हमें लाना है तो उसके लिए कितना फोर्स चाहिए, जो मोशन है उसके कारण को, क्यों हो रहा है मोशन, उस चीज की स्टडी को हम बोलते हैं डायनामिक्स। यानी कि देखो व्हाई थिंग्स मूव मतलब चीजें मूव क्यों हो रही हैं, उस चीज के कारण को, रीजन को हम बोलते हैं व्हाई डायनामिक्स, और चीजें मूव कैसे हो रही हैं उसकी स्टडी को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्लियर है आपको? यस सर। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और आप एक चीज, एक सेकंड, कोई है, मेरा फोन हैंग हो गया था, कोई बच्चा है शायद, ये मनीष ही है, डिसमिस क्यों कर दिया, हो गया तो हो गया, बता ब्लॉक हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। देखो इसमें हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, जैसे कि टाइम ओनली काइनेमेटिक्स की पैरामीटर ये होते हैं। अब जैसे डायनामिक्स में क्या पढ़ेंगे, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो भी लगते हैं बॉडीज पे, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि भाई देखो कोई बॉडी मूव करती है किसकी वजह से करती है, फोर्स की वजह से करती है ना। Yes, sir. फोर्स की वजह से ही तो करती है। मान लो ये yes, sir. ये आपको दिख रहा है कैलकुलेटर, ये अभी रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे ही रहेगा जब तक मैं इस पे फोर्स ना लगाऊं, तो फोर्स की वजह से ही तो मूव कर रही है। Yes, sir. तो उन चीजों के बारे में, कॉज क्यों हो रहा है, क्यों मूव हो रही है चीजें, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं डायनामिक्स। कॉज ऑफ मोशन में अगर हम स्टडी करें तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक्स, और ओनली इफेक्ट के बारे में बात करें तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके ओके। अब देखते हैं मोशन और रेस्ट। एक्चुअली मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। देखो कोई ऑब्जेक्ट, मान लो आप रूम में बैठे हैं, ठीक है, आप रूम में बैठे हैं और आपके पास रूम में टेबल होगी, हो सकता है कोई टेबल है, लैपटॉप है या मोबाइल है जिसे आप पढ़ रहे हो, बुक्स होंगी, पेन होगा, कॉपी होगी, जो भी चीजें हैं। अब कोई भी एक चीज, एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग,
सराउंडिंग विद टाइम। तो ये जो चीजें थी आपके रूम में, जो आपको चीजें दिख रही हैं, ये आपका सराउंडिंग है। तो कोई भी चीज इन चीजों के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम उसको बोलेंगे कि वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट मोशन में, वो ऑब्जेक्ट मोशन में। और अगर वो कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये दिख रहे हो, ये थोड़ा है, ये बुक दिख रही है आपको, बुक फिजिक्स की बुक दिख रही है। Yes, sir. अभी रेस्ट, अभी रेस्ट में है या मोशन में है? रेस्ट में। आपने क्यों बताया? क्योंकि ये मेरे रेस्पेक्ट में, आपने मुझे देखा, मेरे रेस्पेक्ट में ये बुक अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो ये किसमें हो गई? रेस्ट में, मेरे रेस्पेक्ट, ओनली मेरे रेस्पेक्ट में ये चेंज नहीं कर रही। अब मान लो ये बुक ऐसे ऐसे मूव करने लगी, ऐसे मूव करने लगी, तो क्या ये मेरे रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है कि नहीं कर रही है? पहले मान लो मेरे से 10 सेंटीमीटर दूर थी, अब ये 15 सेंटीमीटर दूर हो गई, अब ये 20 सेंटीमीटर दूर हो गई, 50 सेंटीमीटर दूर हो गई, तो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है कि नहीं कर रही मेरे रेस्पेक्ट में? तो मैं बोलूंगा ये बुक मोशन में है। किसके रेस्पेक्ट में? मेरे रेस्पेक्ट। अभी देखो इसके लिए भी क्या होता है, अब देखो ये जो बंदा बैठा है इस रूम में सिस्टम के आगे, ये पढ़ रहा है या मूवी देख रहा है, जो भी कर रहा है, ये आंख यहां से, ये कोई मतलब मैं यहां से देख रहा हूँ इसको, इस आंख से अगर इसको देख रहा हूँ तो क्या ये रेस्ट में है या मोशन में है? कोई बताएगा मुझे? रेस्ट में है या मोशन में है? मोशन। रेस्ट में है। हाँ? रेस्ट में है। अरे आप मैं रूम से ही देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, ये रेस्ट में दिखेगा या मोशन? अरे आराम से बैठ के, एक जगह पे बैठ के, हिल डुल नहीं रहा है, बैठ के टीवी देख रहा है ये, तो ये रेस्ट में है या मोशन में? रेस्ट में ना, क्योंकि ये अपने रूम के किसी भी चीज की रेस्पेक्ट, ये इधर उधर मूव नहीं कर रहा है अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट, ठीक है, तो रेस्ट में है। तो अगर मैं इसको स्पेस से देखूं तो क्या ये रेस्ट में है क्या मोशन में है? देखो ये ग्लोब पे मैंने अर्थ में, इंडिया में बैठा हुआ है, ये इंडिया में बैठा हुआ है, तो अब ये रेस्ट में है कि मोशन में है? रेस्ट। ओके, अब मुझे ये बताओ कि क्या अर्थ मूव करती है? अर्थ सर मोशन में होगा। यस सर। अर्थ मूव करती है कि नहीं? यस सर करती है। अर्थ जब मूव करती है तो अगर मैं स्पेस से देखूंगा तो ये रेस्ट में होगा कि मोशन में होगा? मोशन में होगा। अगर मैं इसको अर्थ से ही देखूंगा, अगर मैं यहाँ पर बैठ कर इसको देखूंगा ना, तो ये मुझे रेस्ट में लगेगा, लेकिन अगर मैं स्पेस से देख रहा हूँ तो ये किसमें लगेगा मुझे? मोशन में लगेगा कि नहीं लगेगा? मोशन। यस सर। तो इसका मतलब भाई कोई भी चीज मोशन में है या रेस्ट में, ये किस पे डिपेंड करती है? हम कहाँ से देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं? जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम जहां से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसको हम रेस्ट पे मान लेते हैं कि भाई हम तो रेस्ट पे हैं, अब दुनिया को देखेंगे कि कहां कौन सी चीज मूव कर रही है, कौन सी चीज रेस्ट पे है। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो yes, sir. ये देखो एक स्टेटमेंट देखो, एवरीथिंग इज मूविंग। ये बच्चा मैसेज पे मैसेज किया जा रहा है, सर मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, सर मुझे क्लास में ले लो, एक सेकंड जरा वेट करते हैं। तो ठीक हो ना? डिस्टर्ब
अब शायद वो ज्वाइन हो गया होगा बंजा बच्चा। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ आपको कि रेस्ट और मोशन किस पे डिपेंड करता है? ओनली फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। इतना क्लियर है? यस सर। अब देखो होता क्या है ना, एवरीथिंग इज मूविंग, सो मोशन, देखो मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी होता है। देखो यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, देखो यहाँ पे क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जर्वर था। तो यहां से अगर इसको देखेगा ये, तो ये किस पे दिख रहा है, रेस्ट पे। रेस्ट पे दिख रहा है कि नहीं? लेकिन जब हमें इसी बंदे को अगर मैं स्पेस से देख रहा हूँ, तो ये किस में दिख रहा है, मोशन में। तो ये दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी हुई ना, ऑब्जेक्ट की भी और ऑब्जर्वर की भी, दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है। देखो एक्चुअली में क्या होता है, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। एक्चुअली में एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। अगर मैं इस बंदे को इस रूम से देख रहा हूं तो मुझे रेस्ट में दिख रहा है, और इसी बंदे को अगर मैं स्पेस से देख रहा हूं तो मुझे किस में दिख रहा है, मोशन में दिख रहा है कि नहीं? क्या मैं कभी ये कह सकता हूँ कि ये कोई भी चीज रेस्ट, क्या आप रेस्ट पे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहीं बैठ के क्लास ले रहे हो, आप रेस्ट पे हो या मोशन में हो? मोशन में। मोशन मोशन। ये आप, ये भी आंसर आपका गलत है सर। डिपेंड करता है मैं कहाँ से देख रहा हूँ। अगर मैं आपके रेस्पेक्ट में बात करूँ तो सर मैं रेस्ट पे हूँ। अगर हाँ हाँ एग्जैक्ट आंसर सर, अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो सर हम रेस्ट में दिखेंगे, अगर स्पेस से देखेंगे तो मोशन में। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली करेक्ट आंसर ये है कि सर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप कहीं बैठ के चेयर पर बैठे हुए टीवी देख रहे हो, तो आप मुझे बताओ आप रेस्ट पे हो कि मोशन पे, तो आपका अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए उस पूछने वाले से, सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताइए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताइए कि आप मुझे कहाँ से देखना चाह रहे हो, यहाँ से देखोगे, मेरे पास से, या स्पेस से देखोगे? अगर वो बोले नहीं मैं आपके पास से देख रहा हूँ, अगर मैं आप मेरे पास से देख रहे हो, अगर मैं सामने बैठ के टीवी देख रहा हूँ एक कुर्सी पे, तो मैं रेस्ट पे हूँ, अगर आप मुझे स्पेस से देखोगे तो मैं उस टाइम पे मोशन पे हूँ। क्लियर है? और एग्जांपल, और एग्जांपल लेते हैं इसका, और एग्जांपल देखो, देखो ये जो एक पर्सन बैठा हुआ है, ये पर्सन दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। पीछे पीछे एक पेड़ भी दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है पेड़, ट्री। ये ट्री है, ये ट्री और ये मैन, ये किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। Yes, sir. अब देखो ये दोनों ग्राउंड, ये बंदा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, पेड़ भी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, और ये जो बस है, देखो बस मूवगी की देखी, इस बंदे को बस मोशन में दिख रही है अभी, बस मोशन में दिखी कि नहीं दिखी, बस दिखी, बस मोशन में दिखी। यस सर। देखिए क्यों दिखी, क्योंकि इसने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा, इसने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ था और बस मूव कर रही थी, बस इसे मोशन में दिखी और खुद रेस्ट पे दिखा। क्लियर है? यस सर। और पेड़ भी, यस सर, पेड़ भी इसको रेस्ट पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस सर। भाई पेड़ तो इसको रेस्ट पे दिखेगा ना, ये रेस्ट पे दिखेगा इसको। ये जब इसको रेस्ट पे दिखेगा तो आप ये बताओ, तो इस वाले में, नेक्स्ट वाले में देखो यहाँ पे क्या किया, बस मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम द ट्री, बस मूव अवे, यही बात है जो मैंने आपको बताई है ना, यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या किया, ओरिजिन इसने क्या लिया है, पोजीशन ऑफ द ट्री, पोजीशन ऑफ द ट्री, पोजीशन ऑफ द ट्री बोले या फिर ग्राउंड से रेफरेंस में बोले, एक ही बात है ना। अरे दोनों ग्राउंड, पेड़ कभी मूव नहीं करता, ये तो आपको पता है ना। यस सर। Yes, sir. लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये बात ध्यान रखिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पेड़ कभी मूव नहीं करते। अभी आप देखो, अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इसमें ये बंदा क्या किया, पेड़ से उतर के इस बस के ऊपर बैठ गया, पेड़ से उतर के बस के ऊपर बैठ गया, तो अब इसको क्या होगा, बस रेस्ट में दिखेगी और पेड़ क्या दिखेगा, पीछे जाता हुआ। एक्चुअली में क्या हो रहा होगा, ये बस आगे की तरफ जा रही होगी, बट इसको क्या दिखेगा कि बस तो रेस्ट पे है भाई, लेकिन पेड़ पीछे की तरफ मूव कर रहा है। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, आप जब बाइक पे जाते हो, बाइक पे कहीं पे, बाइक पे जा रहे हो रोड पे,
तेजी से चल रहे हो आप, तो आपको पेड़ पीछे की तरफ दिखते ना कि बाइक आगे की तरफ। यस सर। आप अपनी बाइक की स्पीड का अंदाजा इसी से लगा पाते हो कि पेड़ कितनी स्पीड से पीछे जा रहे हैं। मान लो आपका मीटर खराब है, बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो खराब है आपका, तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे? या तो हवा से अंदाजा लगाओ, हवा में आपका हेलमेट लगा हुआ है तो आप कैसे अंदाजा, पेड़ जितनी स्पीड से पीछे की तरफ जा रहे हैं ना उतनी स्पीड आपकी है। यस सर। आपको ऐसा लग रहा है कि पेड़ पीछे की तरफ चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, आप आगे की तरफ चल रहे होते हो। तो आप जिसके ऊपर बैठे हो, जहां पे बैठ जाते हो, उसको आप रेस्ट पे मानते हो और उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अदर चीजों को देखते हो। देखते हो कि नहीं? यस सर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो ये कोई बस है, ठीक है, ये कोई बस है, यहाँ पे कंडक्टर है, यहाँ पे ड्राइवर है, और यहाँ पे एक साइड ये है, एक साइड में ये पैसेंजर बैठ सकते हैं, एक साइड में यहाँ पे पैसेंजर बैठ सकते हैं, और मान लो ये दो ही सीट लेते हैं, हमें दो तीन चीजों से ही मतलब है। एक बंदा यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये बस चल रही है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक बंदा यहाँ पे ग्राउंड पे बैठा है, ये कोई ग्राउंड पे है, इस बस को देख रहा है, इस बस को देख रहा है, इस ये जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है, इसको बस की इन सब की स्पीड क्या दिखेगी, इसकी स्पीड क्या दिखेगी, इस बंदे को, इस बंदे की स्पीड क्या दिखेगी? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर, मतलब बस में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबकी स्पीड इस बंदे को 10 मीटर पर सेकंड दिखेगी। दिखेगी कि नहीं दिखेगी? Yes, sir. इस बंदे को 10 मीटर पर सेकंड दिखेगी, लेकिन इसमें जो बैठे हुए हैं, इस बस में बैठे हुए हैं, इस बंदे को इसकी स्पीड कितनी दिखेगी? इस बंदे को, मान लो ये 1 है, ये 2 है, 1 को 2 की स्पीड क्या दिखेगी? 0। क्योंकि देखो ये बस के अंदर बैठे हुए हैं, तो इसको तो रेस्ट पे मानेगा ना, ये बस को रेस्ट पे मानेगा। अब इस बंदे को जो 1 है ना, 1 है बस, अगर इधर मूव कर रही है 1 को, ये बंदा दिखेगा पीछे की तरफ मूव करता हुआ 10 मीटर पर सेकंड से। यही होता है, हम जब बाइक पे जाते हैं ना, बाइक पे कहीं चल रहे होते हैं, हम आगे की तरफ मूव करते हैं, हमें लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, हम आगे की तरफ नहीं जा रहे हैं, पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं। या फिर नीचे रोड की तरफ देखते हैं, हमें ऐसा लगता है रोड बड़ी तेजी से पीछे की तरफ जा रही है, हम आगे नहीं जा रहे हैं, रोड पीछे की तरफ जा रही है। ये क्या होता है, रिलेटिव होती है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। आप किस चीज, जहां पे आप बैठ के देख रहे हो उसको आप मान लेते हो रेस्ट पे, भाई ये तो अब मैं दुनिया को देखूंगा कैसा क्या हो रहा है दुनियादारी। अब जब ये बंदा, फर्स्ट बंदा इस बंदे को देखेगा, इस थर्ड बंदे को देखेगा, तो इसको ये मोशन में दिखेगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दिखेगा कि नहीं दिखेगा 10 मीटर पर सेकंड से? एक्चुअल में क्या है, ये सभी लोग 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पर समझ में आई कि नहीं आई ये मेरी बात? यस सर। को ये जो बस के ऊपर बैठा हुआ है, इसको बस रेस्ट पे दिख रही है, लेकिन क्या हो रहा है, ट्री मूव करता हुआ दिख रहा है, भाई पेड़ पीछे से पीछे जा रहा है। मैं तो वहीं पे हूँ, मैं तो बस के ऊपर था, बस के ऊपर ही हूँ, मैं तो बस के ऊपर था, बस के ऊपर ही हूँ, लेकिन पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। क्लियर है आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट, कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं हम? जहां पर बैठ के हम देख रहे हैं चीजों को, उस चीज को हम रेस्ट पे मानते हैं और अदर चीजों को ऑब्जर्व करते। अब देखो यही लिखा हुआ है, देखो ट्री मूव्स अवे फ्रॉम द बस। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या किया था हमने, हमने क्या किया था, देखो पर्सन कंपेयरिंग द पोजीशन ऑफ द ट्री विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द बस। इस ट्री की पोजीशन वो बस के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहा है। तो ओरिजिन क्या लिया है, पोजीशन ऑफ द बस, पोजीशन ऑफ द बस को ले लिया ओरिजिन। ओरिजिन मतलब इसको तो हम रेस्ट पे मानेंगे, जीरो इसकी वेलोसिटी मानेंगे। अब हम ये मानेंगे कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है, जो स्पीड से बस आगे चल रही, हम आगे नहीं चल रहे, पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है, ट्री जो था वो पीछे की तरफ जा रहा है। क्लियर है? देखो अब देखो, पहली ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या बताया था कि आपको बस मोशन में थी, ट्री रेस्ट पे था। दूसरी ऑब्जर्वेशन में हमें लगा, ट्री जब हम बस के ऊपर बैठ गए थे, कि ट्री मोशन में है, बस रेस्ट पे है। क्या दोनों सही है, दोनों गलत है? दोनों सही है ना? यस सर, दोनों सही है, दोनों सही है। डिपेंड किस पे कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, हम कहां पे बैठ के देख रहे हैं चीजों को।
चीजों को कहां पे बैठ के देख रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। बोथ ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट, द डिफरेंस इज व्हाट इज टेकन एज ओरिजिन, कि हम ओरिजिन क्या ले रहे हैं, बस ये डिफरेंस है। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव, व्हेन वन सेज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ही और शी कंपेयरिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। मैंने जब आपको ये बुक दिखाई थी कि ये मूव कर रही है, आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, मूव कर रही है, तो हम किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे थे? मैं अपने रेस्पेक्ट में उसको कंपेयर कर रहा था, आप मेरे रेस्पेक्ट में उसको कंपेयर कर रहे थे कैमरे में कि सर मूव नहीं कर रहे हैं और ये बुक मूव कर रही है, इसका मतलब ये बुक मोशन में है और सर रेस्ट में। क्लियर है कि नहीं? यस सर। देखो वही बात, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहां पे हम बैठ के चीजों को देख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं। द मोस्ट कन्वीनियंट सिस्टम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ये थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं और उसकी पोजीशन, ये जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई जेड है, किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे ओरिजिन ले लिया हमने जीरो, ये ओ है ना, ये ओरिजिन ले लिया, इसके रेस्पेक्ट में हम चीजों को देखें तो उसी को बोलो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप डेफिनेशन छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, आप फीलिंग पे जाओ। फीलिंग समझ में आया आपको? ये फील हुआ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कैसे लेते हैं? Yes, sir. अब देखो मोशन थ्री टाइप्स के मोशन, देखो मोशन इन 1D, 2D एंड 3D। अब देखो 1D, 2D, 3D मोशन क्या होते हैं? वो मोशन जिसको डिफाइन करने के लिए एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहला वाला स्लाइड था, उस पर एक बंदा मोशन में था, ऐसे करके मूव कर रहा था। अरे प्लेन सरफेस पे एक बंदा आगे जा रहा था, पीछे जा रहा था, आगे जा रहा था, पीछे जा रहा था, तो क्या उसको डिफाइन करने के लिए मैंने बताया था ओनली एक्स एक्सिस की ही वैल्यू चाहिए मुझे? यस सर। तो वो क्या थी? 1D मोशन थी, वो थी 1D मोशन। फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो ओनली ऐसे जा रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है, और मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट है, मान लो एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है, तो मुझे जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे यही तो बताना है भाई कि वो 5 सेंटीमीटर चल रहा है, चल गया है, वो 5 सेंटीमीटर चल रही है एक्स एक्सिस में, या फिर मान लो इसे हॉरिजॉन्टल में ना जाके वर्टिकल में जा रहा है, वर्टिकल में जा रहा है तो मुझे ये बताना पड़ेगा वर्टिकल डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर चल रही है भाई बंदा, वो एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है ना एक टाइम पे। Yes, sir. अब देखो 2D में क्या होता है, आप आगे पढ़ोगे इसी में, मोशन इन 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लो ये कोई बॉल है, इसको मैंने किसी एंगल से फेंका, तो क्या ये बॉल ऐसे करके जाके यूं करके, सर 1D मोशन को फिर से समझाना। हाँ 1D मोशन, 1D मोशन क्या होता है बेटा, देखो ये मान लो थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तीनों कोऑर्डिनेट हैं। 1D मोशन होता है कि जैसे एक डायरेक्शन में मोशन, जिसको डिफाइन करने की, जिसमें पोजीशन डिफाइन करने के लिए ओनली एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, ओनली वन कोऑर्डिनेट। देखो ओनली वन कोऑर्डिनेट 1D में, देखो टू कोऑर्डिनेट 2D में, थ्री कोऑर्डिनेट 3D में। अब देखो यहाँ पे मान लो मैं एक्स डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर चला, तो मैं ऐसे करके यहाँ पे कोई ब्रैकेट वो बना दूं गोला, और मान लो ये स्फीयर है, एक्स डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर चला, तो क्या मुझे पोजीशन पता चलेगी इसकी कि एक्स एक्सिस पे 5 सेंटीमीटर चला है? पोजीशन पता चल गई ना इसकी सर। अब आपसे बोले कि कोई ऑब्जेक्ट है वो वाई डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर चला है, तो आप सिंपली क्या करोगे, वाई डायरेक्शन लोगे और उसमें 20 सेंटीमीटर मान लो यहां तक आ रहा है, तो वहां यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर लिख दोगे, तो इसकी पोजीशन तो पता चल गई मुझे, एक्स एक्सिस में एक्स डायरेक्शन वाई सेंटीमीटर चला है यहां पे। Yes, क्लियर है कि नहीं? अब देखो 2D में आओ, ये बॉल जब यहाँ पे गई, यहाँ पे मान लो मुझे यहाँ की पोजीशन पता कर दी, यहाँ पे भी कभी आई होगी ना बॉल, फाइनल में यहाँ पे आ गई वापस ऐसे करके, तो यहाँ पे भी कभी आई होगी बॉल, आई होगी कि नहीं? ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब मुझे ये बताओ कि इस यहाँ की पोजीशन निकालने के लिए मुझे वाई एक्सिस की पता जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मुझे वाई एक्सिस में हाइट बतानी है उसको, मान लो 5 सेंटीमीटर हाइट थी, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई गई उसकी, और ये वाली डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मान लो 10 सेंटीमीटर है, पड़ रही कि नहीं पड़ रही? इसकी पोजीशन बताने के लिए, इस पॉइंट पे बॉल की क्या पोजीशन थी, इसको डिफाइन करने के लिए मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की जरूरत पड़ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। पड़ रही है ना?
अब देखो 3D में क्या होता है कि जैसे ये बॉल बॉल देखो ये बॉल ऐसे गई थी, जब बॉल ऐसे गई थी तो मुझे एक्स एक्सिस वो सॉरी एक्स एक्सिस और वाई एक्स दोनों की जरूरत पड़ी थी। अगर ये बॉल ऐसे वाइब्रेट करती हुई जाए, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती हुई जाए, ऐसे वाइब्रेट करती हुई जाए, आपके मोबाइल की स्क्रीन के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ ऐसे वाइब्रेट करती हुई जाए, तब क्या मुझे तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। जेड जेड कैसे है, आपके मोबाइल की स्क्रीन के जस्ट बाहर, मोबाइल की स्क्रीन के जस्ट बाहर जेड एक्सिस। तो उसमें थ्री कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो उस मोशन को हम बोलेंगे 3D मोशन। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर, फ्लाइंग ऑफ काइट। क्या हुआ? सर फ्लाइंग ऑफ काइट। हाँ, ये बोल सकते हो आप, ये बोल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो। अभी देखो इसको थोड़ा सा उससे देख लेते हैं। अब ये देखो, ये इसकी मोशन अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग करूं, मान लो यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंच गया ऑब्जेक्ट, यहां पे पहुंच गया, तो मुझे सिर्फ एक चीज डिफाइन करनी है कि एक्स एक्सिस में कितना सेंटीमीटर चला। मान लो 10 सेंटीमीटर चला, तो मैं मुझे इस बॉल की पोजीशन पता चल गई कि भाई 10 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस, या फिर ये बॉल मैंने ऊपर की तरफ फेंकी तो मैं बोलूँ यहाँ पे बॉल है 5 सेंटीमीटर इन वाई एक्सिस, तो मुझे एक एक कोऑर्डिनेट बताने से उसकी पोजीशन डिफाइन हो गई। अब मान लो सेम ये था, मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन थी, प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने किसी एंगल पे फेंकी बॉल, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, मान लो यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, क्या मुझे इस बॉल की पोजीशन डिफाइन करने के लिए मुझे वाई एक्सिस की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे भाई कितनी ऊंचाई है बॉल की, यस ये वाली डिस्टेंस की, अब मुझे ये वाली डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी, भाई कितना दूर है एक्स एक्सिस में, ये वाई की जरूरत पड़ेगी, मुझे एक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 2D में क्या होता है, दो चीजों की जरूरत पड़ती है। अब 3D में क्या होता है, अब देखो एक्स और वाई की जरूरत तो पड़ ही रही है, यहां से एक्स की जरूरत पड़ रही है, यहां से वाई की जरूरत पड़ रही है, लेकिन ये ऐसे गहराई में और है, जैसे मोबाइल की स्क्रीन के बाहर और मोबाइल में अंदर, ये बॉल को अगर इस क्यूब के भीतर में रख दूं, अंदर रखूंगा, ये आपको कैसे बताऊं, चलो ऐसे बताता हूँ, रुको, ये बुक दिख रही है आपको? सर अब देखो ये जो कॉर्नर है ना, मैं इसको कोऑर्डिनेट मान रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपके बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ क्या है, जेड एक्सिस, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके जेड एक्सिस है, ऐसे करके। अब मुझे ये बताओ इसकी पोजीशन मुझे पता करनी है कैलकुलेटर की, कहां से कहां तक है, देखो कहां से कहां तक है, देखो ये वाली एक्सिस में इतनी ऊंचाई तक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से वर्टिकल डायरेक्शन में, यहां से, तो ये क्या हो गई, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई, अरे हो गई ना, ये वाई एक्सिस हो गई। अब देखो इतने पेज हैं यहाँ पर, इस वाले कॉर्नर को मैंने जीरो माना है, इतने पेजेस हैं, तो ये वाली डिस्टेंस एक्स एक्सिस में हो जाएगी, यस सर, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में, यस हॉरिजॉन्टल में ये वाली डिस्टेंस है कि नहीं? तो सर, भाई मुझे इस वाली डिस्टेंस को कौन बताएगा, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको कौन बताएगा, जेड एक्सिस, बताएगा कि नहीं बताएगा, यस सर, है ना? तो इसी जब हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं 3D मोशन। क्लियर है आपको 1D, 2D, 3D मोशन? यस सर, एकदम क्लियर, यस आगे सर, बढ़ें। यस ओके, सर, अब आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। भाई आपको ये बंदा दिख रहा है नीचे, आप ऊपर छोड़ो क्या लिखा है, वो थ्योरी हो रही है, वो तो सब बाद में भी पढ़ सकते हो आप, पहले समझो चीजों को, समझो बस थ्योरी में क्या रखा है। अभी देखो ये बंदा दिख रहा है आपको, यस सर, ये देखो आप यस सर, इसके चलते चलते ही साथ साथ इस डिस्टेंस को भी देखो, डिस्टेंस कैसे बढ़ रही है, कैसे कम हो रही है। देखो ये बंदा 0 से स्टार्ट कर रहा है, 6 तक जा रहा है, और फिर लौट के कहाँ पे आ रहा है, 4, 2 पे, तो यहां से आगे गया और पीछे गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर ना। आप बाइक से, मान लो आप बाइक से 10 किलोमीटर गए कहीं पे, बाइक से 10 किलोमीटर गए, और फिर घर से 10 किलोमीटर गए, फिर घर पे आ गए वापस 10 किलोमीटर। देखो जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, चलो एक आपका बाइक जो था, मान लो होम है ये, आपका स्कूल है ये, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये कोई रोड है, बाया रोड 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। आप घर से बाइक उठाई, पापा से बाइक ली, आप स्कूल गए, कोई भी शरारत नहीं की, सीधा स्कूल से घर पे आ गए, तो आपकी बाइक कितना रीडिंग दिखाएगी, आपने पापा ने 0 करके दिया था मीटर को,
पापा ने जीरो करके दिया था और पेट्रोल पेट्रोल की वजह से कितना कितना दिखाएगी 20 किलोमीटर एग्जैक्टली 20 किलोमीटर इसको हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस आप गए और आए दोनों डिस्टेंस को जोड़ा जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है यस अब देखो सिमिलरली इसमें देखो ये देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा है सिक्स तक जा रहा है जीरो से स्टार्ट होके सिक्स तक जा रहा है अब देखो सिक्स से लौट के यहाँ तक टू तक आ रहा है सिक्स प्लस टू और प्लस टू सिक्स और फोर कितना हो गया 10 हो गया कि नहीं हो गया मतलब यहाँ तक ये जो यहाँ से जाने में और यहाँ से ऐसे लौट के आने में कितना से कितना मीटर चला 10 मीटर टोटल डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस इतने कितनी चली या फिर पाथ या देखो टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड ट्रेवलिंग फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन यानी कि टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया है उसकी वो कितना पाथ ट्रेवल किया है उस टोटल लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस अब डिस्प्लेसमेंट क्या किसे कहते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं अब देखो इधर देखो आप यहां से स्टार्ट किया जीरो से स्टार्ट किया देखो सिक्स तक गया है फिर जब लौट के आ रहा है ना तो कम हो रहा है देखो कम हो रहा है टू पे आके जब रुका था डिस्प्लेसमेंट टू रह गया था बस ये टू पे रुका था 2 मीटर रह गया था जब आप घर से निकले थे स्कूल के लिए और लौट के द्वारा घर आ गए तो आप चल के तो 20 किलोमीटर आए लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा था फिर डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका 0 किलोमीटर जीरो किलोमीटर क्यों क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम थी डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया लेकिन डिस्टेंस आपकी कितनी थी 20 किलोमीटर समझ में आ रही मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है Yes, sir. कैसे 20 किलोमीटर डिस्टेंस हो रही थी और कैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है हाँ यस सर आगे बढ़े यस सर एक और एग्जांपल देखते हैं इसका एक और एग्जांपल क्या है जैसे आपको वही घर वाला घर यहाँ पे आपका होम था यहाँ पे स्कूल था यहाँ पे आपके पापा की ऑफिस है यहाँ पे आपके पापा की ऑफिस है मान लो ठीक है यहाँ पे आपके पापा की ऑफिस है तो आप यहां से पहले बाइक लेके घर स्कूल गए स्कूल से लौट के ऑफिस पे आए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लो ये था एसी था 5 किलोमीटर ये भी था 5 किलोमीटर और ये भी था 5 किलोमीटर तो आप डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए डिस्टेंस 15 किलोमीटर ऑफिस तक यहां से पापा को पिक करना है आपको 15 किलोमीटर चले अब मुझे ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फिर डिस्प्लेसमेंट 5 देखो आपको वेक्टोरियल फॉर्म में ऐड किया है इसने वेक्टोरियल फॉर्म मतलब इसको माइनस लेंगे क्योंकि माइनस क्या है ये अपोजिट डायरेक्शन पहले हम डिस्टेंस को ऐसे नाप रहे थे यही नापा है ना हमने ऐसे और यहां से बी से सी क्या है नेगेटिव इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं ना डिस्टेंस को अरे इसी डायरेक्शन में तो नाप रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हो वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एक्चुअली में फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन का दोनों का डिफरेंस होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट और टोटल पाथ लेंथ जितना हमने पाथ से ट्रेवल किया है उसकी लेंथ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्प्लेसमेंट क्या था फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस क्लियर है यस सर एक और एग्जांपल देखते हैं देखो यहां से स्टार्ट किए आप ऐसे चले यहां से चले ऐसे चले ऐसे चले आप फाइनल यहां पे आ गए एंड कर दिए यहां पे तो ये जो डिस्टेंस आप ये जो पाथ ट्रेवल करके गए हो ना ये वाला ये आपका होता है डिस्टेंस और यहां से फाइनल पोजीशन से वो सॉरी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट क्लियर है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया यस सर आपके स्कूल से आपका घर 20 किलोमीटर है ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस कभी रोड स्ट्रेट नहीं होती है एक बात और याद रखना रोड 100% आपके कोई भी मुझे ये बता दो किसी के घर की सीधी रोड है क्या नो सर जनरली 99.99% ये क्या होता है डिस्टेंस होती है
डिस्टेंस होती है। आप देखना एरोप्लेन मूव करता है, एरोप्लेन एक स्टेशन से दूसरे, मान लो यहाँ पे है ये, मैं आगरा में हूँ, आप एचपी में हैं, ठीक है, आगरा से एचपी की डिस्टेंस है मान लो ऐसे करके रोड वाया रोड दिया हुआ है आपको 500 किलोमीटर, क्या प्लेन से भी उतनी होगी क्या? प्लेन से जब हम जाएंगे इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा प्लेन को? नो सर। देखो देखो प्लेन ऐसे जाएगा डायरेक्टली, इसका मतलब जो एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन होता है वो किसमें काम करता है, किसमें चलता है? डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट और हम जो कार से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, वो किसमें जाते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्लियर है आपको? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ आप लोगों को? सर ओके। अब आता पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हम पढ़ चुके हैं पहले, नहीं पढ़े क्या? यस सर। कोई बताएगा कौन से चैप्टर में पढ़े थे हम? यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े थे क्या? हैं? कौन से चैप्टर में पढ़े थे? यूनिट एंड डायमेंशन में हैं? या फिर वेक्टर में? या फिर वेक्टर में? वेक्टर में। वेक्टर। तो अभी कुछ बच्चे तो बोल रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े थे हम। देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर सिंपल है, आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताता है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसे कोई ये हमने ओरिजिन माना, इस पॉइंट की क्या पोजीशन है, क्या डायरेक्शन है, इस चीज को बताता है पोजीशन वेक्टर, इस चीज को पोजीशन वेक्टर। मान लो इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो देखो एक्स एक्सिस में क्या होता है, आई कैप होता है कि नहीं होता है? वाई डायरेक्शन क्या होता है, जे कैप होता है कि नहीं होता है? जेड डायरेक्शन के कैप होता है कि नहीं होता है? अब देखो क्या मैं इसके पोजीशन वेक्टर को एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप लिख सकता हूं कि नहीं? देखो एक्स डायरेक्शन में क्या है, आई कैप, एक्स डायरेक्शन में आई कैप है, वाई डायरेक्शन में जे कैप है, जेड डायरेक्शन में के कैप है। देखो एक्स डायरेक्शन डिस्टेंस ट्रेवल ये है, वाई डायरेक्शन में ये है, जेड डायरेक्शन में ये है, तो इसको एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकता हूं। तो क्या मुझे इसका कोई, क्या मुझे इसका कोई मैग्नीट्यूड बताएगा? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसका, मैग्नीट्यूड कोई बताएगा? इन अंडर रूट। ओके ओके बिल्कुल करेक्ट बात बोली आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो आई का कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियंट, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशियंट का स्क्वायर। ये कि कोई भी वेक्टर आपको दे दे उसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप ऐसे ही निकालोगे। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Okay, sir. पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर किसी एक पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए यूज किया जाता है, जो कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बताता है, एज वेल एज डायरेक्शन। जो आई कैप जी कैप जी के कैप क्या बता रहा है, किस किस डायरेक्शन में कितना कितना चला है ये। मान लो कोई पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i कैप + 4j कैप + 5k कैप। अब मुझे ये बताओ कि x डायरेक्शन में कितना चला है ये 3 सेंटीमीटर, मान लो सेंटीमीटर में ही है सब, सेंटीमीटर में है सब, तो x डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर चला है कि नहीं चला है? Yes, y डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर चला है कि नहीं चला है? Yes, और z डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर चला है कि नहीं चला है? Yes, तो क्या ये डायरेक्शन बता रहा है कि x में भाई इतना चला है, वाई में इतना चला है, जेड में इतना चला है, बता रहा है कि नहीं? अब देखो मैग्नीट्यूड तो हम सिंपली निकाल ही लेते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे आता है, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, यही था ना मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला? यस सर। तो ये इतना क्लियर है आप लोगों को कि पोजीशन वेक्टर क्लियर है? यस सर। दूसरी बार हो रहा है ये हमारा, हमारी क्लास में पोजीशन वेक्टर, ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो चुका है हमारा, हो चुका है ना? अभी मैंने आपको क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, यही था ना? देखो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि पहले हमारा इस पॉइंट पे था, वन पोजीशन, उसके बाद में थोड़ा सा चला, वो आ गया यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर, इसको टू पोजीशन बोल देते हैं। तो ये क्या थी, फर्स्ट क्या थी, इनिशियल पोजीशन, टू थी फाइनल पोजीशन। तो जो इनिशियल का पोजीशन वेक्टर था वो आर1 था, फाइनल का पोजीशन वेक्टर था आर2 था, क्या
क्या मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर लिख सकता हूं? क्या था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? क्या था डिस्प्लेसमेंट? हमने क्या पढ़ा था अभी? डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, या फिर बोलते शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, यही पढ़ा था ना? यस सर, जस्ट अभी एक स्लाइड पहले पढ़ा है ना ये? यस सर। ये अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो क्या मैं इसको, ये पोजीशन फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है कि नहीं? अब मुझे ये बताओ, जब R2 में से R1 माइनस करेंगे तो मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया था कि I वाले का, I वाले आपस में माइनस माइनस प्लस होते हैं, J वाले आपस में माइनस प्लस होते हैं, K वाले आपस में माइनस प्लस होते हैं, यही बताया था ना? आप भूल बहुत जल्दी जाते हो ना, भूल रहे हो आप। देखो अब इसमें क्या है, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 है। अब R2 क्या है, X2, X2 माइनस के X1, I का I, का, I वाले के साथ करेंगे, X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1, Y2 माइनस Y1 J कैप प्लस Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 K कैप। क्लियर है ये पोजीशन वेक्टर आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर है? कैसे निकालते हैं? आपको दो दो पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, एक इनिशियल एक फाइनल है। आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिंपली होता है फाइनल वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब इन दोनों को माइनस कैसे करना है, आई वाले का आई वाले के साथ माइनस करो, जे वाले का जे वाले के साथ माइनस करो, के वाले का के वाले के साथ माइनस करो, यही होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। आपने ले लिया? यस सर। यस सर। ओके, अब देखते हैं हम वेलोसिटी एंड स्पीड। अब मुझे चीटिंग करके ही बताओ, मुझे वेलोसिटी और स्पीड में बताओ, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, चीटिंग करके बताओ, एक एक करके, भले ही चीटिंग करके बताओ लेकिन बताओ बेटा। वॉइस नहीं आ रही, आप जो भी बोलना चाह रहे हैं अभी वॉइस आ नहीं रही आपकी क्लियर। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस। ओके ओके, चलो चलो, ठीक 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 ठीक। अब देखो, अब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं किसकी, स्पीड की। पहले स्पीड इज डिफाइंड एज, देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन इंटरवल टाइम, यानी कि जो डिस्टेंस थी उसमें टाइम का डिवाइड कर दे तो क्या आता है, स्पीड। और जो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म थी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, इतना याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस नहीं होती कभी भी, डिस्टेंस नहीं होती कभी। इसीलिए जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो इस चीज को अगर कोई मुझे समझा सकता है क्या, स्पीड किसी बॉडी की पॉजिटिव और जीरो हो, ओनली पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती, और जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। कोई बता सकता है, कोई आप लोगों में से कोई भी? अरे गलत ही बता दो मुझे, मैं गलत सुनना चाहता हूं। किसी कोई आइडिया आ रहा हो कि सर स्पीड ना इसीलिए पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव या जीरो होती है, और या फिर वेलोसिटी इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, कोई किसी एक का भी एक रीजन बता दो कोई। सर क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। थोड़ा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता क्या, या पॉजिटिव डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, चलो ठीक है, लेकिन इधर वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है क्या? चलो ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, मैं बताता हूँ ना, मैं हूं मैं किस लिए हूं फिर। देखो डिस्टेंस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है,
ये बुक है, मान लो ये बुक है, अभी ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे है यस सर, यस सर। अब इसके द्वारा डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई है? अब अगर ये रेस्ट पे है तो इसके द्वारा डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई? जीरो। जीरो। तो इसकी स्पीड क्या हो गई? स्पीड क्या हो गई इसकी? जीरो। स्पीड अगर इसके द्वारा डिस्टेंस अगर ट्रेवल की गई है जीरो, तो स्पीड क्या होगी? जीरो होगी ना। यस। यानी कि डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकती है, और अगर ये मान लो कुछ ट्रेवल कर गई, ऐसे करके चली गई, यहां तक चली गई, तो इसके द्वारा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की गई है कि नहीं? यस सर। चाहे भले ही वन मीटर करी गई हो और वन सेकंड में करी गई हो, तो इसकी स्पीड क्या आ गई? वन मीटर पर सेकंड। अब मुझे ये बताओ, डिस्टेंस जब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अब डिस्प्लेसमेंट की बारी आती है। देखो मान लो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट, अब हम सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट में डील करेंगे, ठीक है? ये मान लो एक्स है, ये वाई है, ये माइनस वाई है, और ये माइनस एक्स है। अब हमने इसको ओरिजिन माना है। मान लो किसी की कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, इस डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, कितने सेकंड में? 10 सेकंड। तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट होगा? ये डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? डिस्प्लेसमेंट यस सर। देखो 10 सेंटीमीटर तो होगी इसकी डिस्टेंस, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो उसकी हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? नेगेटिव एक्स एक्सिस में 10 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? माइनस के 10 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? माइनस के 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। यस सर। जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब 10 माइनस के 10 मीटर चल रहा था, दस सेकेंड में चल रहा था, तो क्या माइनस के 1 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगी कि नहीं? वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। यस सर। आपको तो ये अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाती, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो नेगेटिव आएगी, और रेस्ट पे रहेगा तो वेलोसिटी क्या आएगी? जीरो। क्लियर हुआ कि नहीं आपको ये? यस सर। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? Yes, sir. अभी क्या हुआ? टाइम भी हो गया। स्पीड वेलोसिटी दोनों क्लियर है आपको? अब कल क्लास स्टार्ट होगी हमारी नेक्स्ट, इसको याद रखिएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती है, लेकिन स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर अगर क्लियर है तो एंड करते हैं फिर क्लास को, क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक अगर स्टार्ट करेंगे तो 3 मिनट बची है, 3 मिनट में हो नहीं पाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं इसी टाइम। ओके, पढ़ के आइएगा लेकिन। यस सर।